खबर भिवानी से है जहां पर मॉनसून की एंट्री हो गई है। शहर में अच्छी बारिश की दस्तक हुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इतना ही नहीं, इस बारिश से किसानों की भी उम्मीदें जगी हैं। अच्छी बारिश से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो वहीं भिवानी शहर में कई बस्तियों और मुख्य मार्गों पर जलभराव हुआ है। इससे जिला प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क हो गई है ताकि आगे मॉनसून की तेज बारिश में अधिक समस्या शहर में ना खड़ी होने पाए। होने से यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना हो गया है और ये प्री मानसून हुई है। राजस्थान वगैरह, दिल्ली वगैरह में भी बारिश हुई है। इससे हर आम आदमी को, हर जन जन को राहत मिली है और सब जो है खुश हैं। इससे किसानों को भी बहुत राहत मिलेगी और उनकी फसल वगैरह के लिए उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी बारिश शुरू हुई है और बहुत अच्छी बारिश हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और इससे बहुत लोग, सब लोग बहुत खुश हैं। गर्मी से राहत मिलेगी और आगे यही तमन्ना है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जो किसानों का फायदा हो, मौसम में ठंड हो जिससे लोगों को राहत मिले। जैसे हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, न ही बिजली की, कट थे काफ़ी। प्रशासन से यही अनुरोध था कि पानी की सप्लाई ज़्यादा की जाए तो राहत मिलेगी, क्योंकि ठंड में भी राहत, गर्मी से राहत मिलेगी, ठंड होगी। ये देख लो, ये आपके सामने व्यवस्था जो काफ़ी समय से पहली बारिश में ये ऐसा हाला, तो आगे क्या भविष्य होगा। बारिश तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, गर्मी के कारण बारिश अभी हो रही है तो बहुत ज़्यादा राहत मिली है सभी को, मजदूरों को और को काम करने वाले, बहुत दुखी हो रही थी गर्मी से। तो ये बारिश से हो रही है तो इससे थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ये पानी जो सड़कों पर और ये सीवर वगैरह नाले वगैरह ये बंद है, अगर पहले से प्रशासन से तेज जाए तो ये इतनी नौबत नहीं आती। और पूरा मोहल्ला देखो इधर से सड़क ये सारी भरी हुई है, पानी ऐसे लबालब हो रही है। लेकिन किसानों को भी वैसे तो फायदा है बहुत ज़्यादा इस बारिश से, लेकिन ये जो पानी ये गंदे ऐसे सीवर भर रहे हैं, सारे हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, नाले हैं, ये सारे ब्लॉक हो रहे हैं। हाँ, प्रशासन अगर पहले से 15-20 दिन महीना पहले ये नाले सारे साफ करा रहे, सीवर साफ करा रहे तो ये नौबत नहीं आती। ऊपर से बारिश आ गई नाले में थैली थाली अट जाए हैं और लोग ज़्यादा पानी हो जा है, इसलिए मोटर चला रखें, थोड़ी देर में पानी टूट जाएगा, सड़कों का सारा पानी साफ हो जाएगा। मोटर चला रखी है 5-10 मिनट, अधिकारी का आदेश आ रहे हैं हमारे ऊपर भी, हम मोटर चला रखी है, जिस तरह ये नाला ओवरफ्लो का पानी टूट जाएगा हम मोटर बंद कर देंगे, जाल निकाल रहे हैं हम। अचानक बारिश आने से यह समस्या खड़ी हो रही है।